नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सोमवार की शनि जयंती आपके लिए लेकर आई है बेहद खास मौका, जब आप शनि के साथ पा सकते हैं उनके पिता सूर्य और आराध्य देव भगवान शिव का आशीर्वाद। यूं तो शनि जयंती का दिन शनि देव की प्रिय तिथियों में से एक है, जब एक छोटी सी पूजा और दान भक्तों पर बरसाने लगती है शनिदेव की कृपा। लेकिन अगर इन दिनों ग्रहों का कुछ खास संयोग बन जाए तो सोने पर सुहागा की स्थिति बन जाती है। ऐसे में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शास्त्री जी आपको बताएंगे वो तमाम उपाय जिससे आपको शनिदेव का संपूर्ण आशीर्वाद मिल सकता है। लेकिन उससे पहले जानते हैं क्यों खास है इस बार की शनि जयंती। शनेश्वरा शनेश्वरा दयावंत हो शनेश्वरा, कर्ज उतारेंगे शनि, इस दिन तेरा भजन करेंगे, व्यापार चमकाएंगे शनि, तेरा भजन करेंगे, कृपावंत हो शनेश्वरा, धन की बारिश करेंगे शनि, शनि दोषों से मिलेगी मुक्ति। पित्र दोष भी नहीं करेंगे परेशान, शनि जयंती पर बना शुभ संयोग, शिव संग शनि करेंगे धन की बरसात। माटी के कुंभ पर तेरी स्थापना करेंगे स्वामी। सोमवार की शनि जयंती है बेहद खास, जब शनि संग शिव का नाम पूरी कर देगा आपकी हर मुराद। शनि पर चढ़ने वाली तेल की हर बूंद से होगा चमत्कार। सोमवार को आपको मिल सकता है शनि देव का पूर्ण आशीर्वाद। उनकी वक्री दृष्टि से आपके जीवन में हो सकती है सुख समृद्धि की बरसात, क्योंकि सालों बाद शनि देव अपनी जयंती पर आपके लिए लेकर आए हैं ढेरों उपहार। दरअसल सोमवार को शनि जयंती कृतिका नक्षत्र में आई है, जो सूर्य का नक्षत्र है और शनि सूर्य देव के पुत्र हैं। वहीं दूसरी तरफ सोमवार शनि देव के आराध्य और उनके गुरु भगवान शंकर का भी दिन है। इस तरह से इस बार की शनि जयंती भक्तों को एक साथ तीन देवताओं का आशीर्वाद दिलाने में मददगार साबित होगी। एक तरफ जहां शनि जयंती के संग सोमवती अमावस्या का संयोग जातकों को शनि दोष के साथ साथ पितृ दोष से निजात पाने में मददगार साबित होगा, तो वहीं सूर्य चंद्रमा बुध और मंगल मिलकर चतुर्ग्रही योग का निर्माण करेंगे, जो राजयोग दिलाने वाला होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि शनि जयंती के दिन देव गुरु बृहस्पति शनि के नक्षत्र में पुष्य में गोचर कर रहे हैं और उच्च के गुरु के शुभ प्रभाव के चलते शनि की वक्री दृष्टि का सकारात्मक असर जातकों पर देखने को मिलेगा। ज्योतिषों का कहना है कि इस जयंती पर अगर शनि से जुड़े दान कर कुछ मंत्रों का जाप कर लें तो बढ़ते कर्ज से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी, शत्रुओं पर विजय मिलेगी और जी का जंजाल बन चुकी बीमारियां ठीक होने लगेंगी। यही नहीं, शनिदेव की पूजा से साढ़ेसाती ढैया के प्रकोप से भी भक्तों को राहत मिलेगी। शनिदेव की जयंती पर पूजा का फल साल भर जातकों को लाभ देगा। ऐसे में हो जाइए तैयार, कुछ मंत्रों के जाप के साथ कर लीजिए खास वस्तुओं का दान, जिससे आपको मिल सके कलयुग के देवता का आशीर्वाद। आज तक ब्यूरो। तो शनि जयंती इस बार बेहद शुभ संयोग लेकर आ रही है आपके लिए, लेकिन शनि जयंती की महत्ता क्या है शास्त्री जी बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शनि जयंती सन 2015 में सोमवार को प्राप्त हो रही है और सोमवार को सोमवती नाम की अमावस्या है। शनिदेव के पिता सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में पड़ने के कारण शनि जयंती बेहद खास हो गई है। वहीं ग्रह योगों की बात करें तो शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में उच्च के बृहस्पति कर्क राशि पर गोचर कर रहे हैं, जो कि शनि की वक्र दृष्टि से जातकों के लिए बेहद अनुकूल फल बनाएंगे। और अगर और कुंडली की बात करें तो चतुर्ग्रह योग, जो कि राज्य योग बनता है, इस प्रकार से मान सम्मान और धन वृद्धि का योग समस्त जो फल है वो शनि जयंती पर आपको प्राप्त होगा। तो किस तरह से पूजा का विधि विधान हो, किस तरह से शनि जयंती आपके लिए शुभ संयोग लेकर आ सकती है, पूजा की विधि क्या होगी, ये शास्त्री जी आपको बताएंगे।
जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शनि जयंती पर सर्वप्रथम जल में तेल काले तिल मिलाकर के स्नान करें और लकड़ी की चौकी पर काला कपड़ा बिछा करके शनि देव की प्रतिमा शनि यंत्र अथवा सुपारी में काला सूत लपेट करके स्थापित करें। दाहिने हाथ की तरफ घी का और बाएं हाथ की तरफ सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाएं। पूजा में कुसा का आसन प्रयोग करें अथवा काले कंबल का प्रयोग करें। हाथ में काले तिल, नीले पुष्प, जल और दक्षिणा लेकर के शनि जयंती की पूजा का आप संकल्प करें। यह ध्यान रखें कि जिस समय आप पूजा करते हैं उस समय आप पश्चिम मुख होकर के बैठें, ऐसा शनि जयंती का विधान है। शनि देव का पंचामृत से, जल से, सरसों के तेल से अभिषेक करें और नीले या काले पुष्पों से पंचोपचार शनिदेव का पूजन करना चाहिए। उसके बाद अबीर, गुलाल, सिंदूर, काजल, ये सारी वस्तुओं को लगा करके भगवान शनिदेव को ऋतुफल और श्रीफल ये अर्पण करना चाहिए। समस्त पूजा के बाद आपने इमरती या तेल से बने हुए पकवान का भोग लगाएं और उसके बाद शनिदेव मंदिर में शनि प्रतिमा के सामने बैठ करके ओम प्राम प्रीम प्रोम सह संसन ईश्वराय नमः, इस मंत्र का, ये शनि का बीज मंत्र है, इसका 108 बार जाप करना चाहिए। संपूर्ण पूजा के बाद आरती करें, शनिदेव की 7 बार परिक्रमा करें, दंडवत प्रणाम करें, अपने अपराधों की क्षमा याचना करें, निश्चित रूप से शनि की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन क्योंकि ये शुभ संयोग है, खास मौका है और ऐसे में हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि शनि दोष से कैसे मुक्ति पाए, ये परेशानी, ये समस्या हमेशा उनके साथ बनी रहती है। जी नेहा, आपको बता दूं जिस प्रकार से आपने शनि दोष की बात की है, शनि दोष का सबसे पहले ये समझें उसका कारण क्या है। पेट संबंधी रोगों के कारण परेशानी का होना, धन संपत्ति की हानि, नशे की लत के कारण समस्याएं, शनि जयंती में स्नान से पहले तेल की मालिश अवश्य करना चाहिए। 1.25 लीटर सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक करें। शनिदेव का अभिषेक करते समय उनके नेत्रों का दर्शन ना करें, ये आपने शनि पूजा में विशेष ध्यान रखना है। और शनि मंदिर में सिंघाड़े के आटे का हलवा और काले चने का प्रसाद बना करके भोग लगाएं और भक्तों में बांटें। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, श्री हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने शनि जयंती या शनि अमावस्या या शनिवार के दिन अवश्य जाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। शारीरिक रूप से जो असमर्थ व्यक्ति हैं उनकी सेवा करने से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और शनि जयंती पर सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है, किस तरह से इसका महत्व है ये बताइए। देखिए, यह बहुत ही बड़े संयोग की बात है कि शनि जयंती और सोमवती अमावस्या, ऐसा दुर्लभ योग एक साथ ही पड़ रहा है। ये जब भी सोमवार को अमावस्या पड़े और शनि जयंती पड़े, ऐसी स्थिति में तीर्थों में जाकर के स्नान करके और जो शनि तीर्थ हैं वहाँ पर जाकर के शनिदेव का पूजन करना चाहिए। देखिए, आप ये समझें कि अमावस्या का मतलब क्या है। अमावस्या का अर्थ होता है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर एक साथ आशीर्वाद देने लगे और साथ में पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता रहे। ऐसी स्थिति में, क्योंकि सूर्य आत्मा कारक ग्रह है, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, मन व हृदय से श्रद्धापूर्वक जब हम शनिदेव की प्रतिमा पर तिल के तेल, कस्तूरी, अगर तगर, लोभान, गूगल आदि से भगवान शनिदेव का अभिषेक करते हैं और साथ में शनि कवच का पाठ करते रहे जो महाराज दशरथ ने किया था, तो शनिदेव की कृपा अत्यंत शीघ्र उपासक को प्राप्त होनी शुरू हो जाती है और उसके समस्त जीवन के कष्टों का निवारण आरंभ हो जाता है। तो माना यही जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पितृ दान किया जाता है, पितृ दोष से निवारण का ये मौका है, ऐसे में किस तरह से पूजा करें बताइए शास्त्र जी। देखिए, जहां पर हम पितृ दोष की बात करते हैं तो पितृ पूजन करने के लिए सर्वप्रथम जल में गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए और पितृ दोष निवारण की पूजा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखें। पूजा के लिए दोपहर के 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक का समय बेहद शुभ माना जाता है। इस समय में की गई पूजा पितृदोष का निवारण अवश्य करती है। जल में दूध, काले तिल, कुशा मिला करके पितरों का तर्पण करना चाहिए और तर्पण करते समय जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ यह मंत्र रामबाण की तरह है पितृ शांति के लिए। ओम शम यमाग्रजाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। रुद्रयामल एक बड़ा ही सिद्ध ग्रंथ है। रुद्रयामल में प्रेत सूक्त नामक सूक्त का वर्णन है और उसका 5 बार पाठ करने से किसी भी प्रकार का पितृदोष उसका विमोचन अवश्य हो जाता है, निवारण हो जाता है। पूजा पीपल के नीचे बैठ करके करें और पीपल के वृक्ष में घट दान भी करें। घट में गंगा जल में दूध मिला करके डालने से पितृदोष का निवारण होता है।
गाय कुत्ता कौआ को ग्रास निकालें, ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं, वस्त्र जल से भरा हुआ कलश, दक्षिणा, फल, मिठाई, ये समस्त वस्तुओं को ब्राह्मण को भेंट करना चाहिए और ब्राह्मण को प्रणाम करके आशीर्वाद लें। सायंकाल के समय इस श्मशान में बने मंदिर में नारियल के तेल का दिया जलाएं और दीपक में 2 जायफल और 2 लौंग ये डाल करके और उस दीपक को प्रणाम करें, पितृदोष निवारण की प्रार्थना करें, पितृमोक्ष की कामना करें, निश्चित रूप से उस कष्ट से निवृत्ति हो जाती है। शनि दोष निवारण आपने बता दिया, पितृ दोष निवारण बता दिया, अब ये बताइए कि सूर्य दोष निवारण करना हो तो क्या करें? जी नेहा, सबसे पहले ये समझें कि सूर्य दोष होता क्या चीज है, उससे परिणाम क्या मिलता है। यदि कुंडली में सूर्य अपनी नीच राशि यानी तुला राशि पर स्थित हो, अगर जन्म कुंडली अगर 3rd, 6th, 12th, 3rd भाव में सूर्य ग्रह स्थित हो तो ऐसी स्थिति में कुंडली में सूर्य दोष होता है। सूर्य दोष के प्रभाव के कारण परिवार में विवाद होना निश्चित है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप के कारण परेशानी, पिता में विचारों में मतभेद होना, पैतृक स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान पर या विदेश में निवास करना अथवा ठेकेदारी का व्यापार, तमाम चीजें सूर्य दोष के कारण आती हैं। इसके उपाय के लिए मैं आपको बताता हूं कि 125 ग्राम सरसों का तेल, उसमें थोड़ा कुशा डाल करके लाल चंदन मिला करके शनि देव की प्रतिमा का अभिषेक करें और यह नियम लगातार 43 दिन तक करें, लेकिन गुप्त रूप से करें, किसी को यह बात मालूम ना पड़े। इसके लिए एक आपको समय निश्चित करना है, प्रातःकाल 8 बजे से 10 बजे के मध्य में यह पूजा आप करें। माँ और दादी से आशीर्वाद लें, नारियल एवं बादाम का तेल शनि मंदिर में दान करें, किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोलें, जल में कुशा कुमकुम गुड़ डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ दें। इतना करने से किसी भी प्रकार का सूर्य दोष होगा वो निश्चित रूप से कुंडली से दूर हो। चतुर्ग्रही राजयोग, ये योग बन रहा है इस बार शनि जयंती के मौके पर, किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालेगा शास्त्री जी? जिस प्रकार से आपने बात करी है कि 4 ग्रह जब एक ही राशि पर स्थित हो जाते हैं केंद्र अथवा त्रिकोण में, तो वह राजयोग होता है। यदि भाग्य स्थान का स्वामी कर्म भाव पर और दशम भाव का स्वामी भाग्य स्थान पर स्थित हो जाए तो यह भी राजयोग होता है। धर्म कर्माधिनेतारा अन्योन्यास संस्थितो राजयोग इति प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवेत्। यह लघु पराश्री का सूक्त है, सूत्र है। तो देखिए, धन धान्य से युक्त जीवन ऐसे व्यक्ति का व्यतीत होता है। शनि जयंती में शनि देव मंदिर में मौन होकर के नंगे पैर जाएं और पंचामृत में अरंडी का काला तेल मिला करके शनि देव की प्रतिमा का पंचोपचार से पूजन करें, अभिषेक करें। शनि देव की ऐसी प्रतिमा का अभिषेक करें जिसके नेत्र ना हो और उसके सामने बैठ करके ओम शम शनेश्वराय नमः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, ओम शम शनेश्वराय नमः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, इस मंत्र का जाप करते रहें। शनिदेव मंदिर की सफाई अपने हाथों से करें, शनि मंदिर में आलू बैंगन की सब्जी बना करके पूड़ी का भंडारा करें, आप देखेंगे निश्चित रूप से अगर आपकी कुंडली में राज सुख नहीं है वह भी आपको राज सुख प्राप्त हो जाएगा और आपकी कुंडली में राजयोग जो है वह अपना फल देना आरंभ कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो शनि जयंती पर शुभ संयोग किस तरह से बन रहा है ये आपने आज जाना। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।